हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक कुशवाहा यूट्यूब चैनल। यह आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि अब आपको सीएससी की तरफ से आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी बहुत इजीली मिल जाएगी। बहुत दिन पहले सीएससी की तरफ से एक फ्री कैंपेन चलाया जा रहा था, जिसमें आईआरसीटीसी की अकाउंट आपको मात्र 10 रुपए में दिया जा रहा था। आपको पता होगा आज से करीब 1 साल हो गए, 1 साल पहले आपको आईआरसीटीसी की जो सर्विस है वो सीएससी के थ्रू 10 रुपए में दी जा रही थी। देन आज आपको ये सर्विस 1000 में दी जा रही है, लेकिन जो पिछले एप्लीकेशन जो हुए थे 10 रुपए में, तो उनको आईडी अब मिल रही है। अगर आपको पता नहीं है तो इस वीडियो का आप अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से देखना, क्योंकि मैं आज वो टिप्स बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपने आईडी को बहुत जल्दी पा सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हो, आपको एजेंट आईडी लेने के लिए सबसे अच्छा और बेहतर तरीका मिल जाएगा। आप अपनी एजेंट आईडी को विद इन 1 वीक में आप ले सकते हैं, 5-6 दिन मैक्सिमम 1 वीक लगेगा, आपकी एजेंट आईडी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ये वीडियो बनाते हुए मुझे सीएससी के लिए काफी अच्छा फील हो रहा है और प्राउड फील हो रहा है कि सीएससी बहुत अच्छी है, क्योंकि इन्होंने आईआरसीटीसी एजेंट आईडी मात्र 10 रुपए में दे दिए। ये काफी बड़ी बात है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो आपको 10 रुपए में आईआरसीटीसी की आईडी दे दे। अगर आपने 10 रुपए वाली आईडी के लिए सीएससी के पोर्टल से आवेदन किया होगा एजेंट आईडी के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सर्विस है, सर्विस पे जैसे आप क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे सर्विसेज में सर्च करना है आईआरसीटीसी, तो आपके पास इस तरीके से सर्विस आएगी। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन के लिए है, सीएससी के थ्रू जो आईआरसीटीसी एजेंट आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको इस पे क्लिक करना है। देखिए क्या प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे आप कोड को फाइंड करने जाते हैं तो वहां पे आपके पास एक प्रॉब्लम आती है। एजेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फाइंड आईआरसीटीसी एजेंट कोड, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा, देन यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपसे ये एजेंट स्टेटस में आपसे मोबाइल मांगा जाता है, तो कभी आपको एरर बताया जाता है यहाँ पे कि अपडेट योर डिटेल। तो अपडेट पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड अपडेट करने को बोला जाता है एंड न्यू मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, ईमेल एड्रेस को अपडेट करने के लिए बोला जाता है, लेकिन ये सब बकवास है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने 2-3 बार किया, 2-2 नंबर दे दिए मैंने यहाँ पे, 2-2 मेल आईडी दे दी, पैन कार्ड तो खैर सेम ही होता है, लेकिन फिर भी आईडी मुझे नहीं मिली। क्या प्रोसेस है, नया तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इसे आप इसे यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये तो सच है कि आपके पास न्यू एंड बिल्कुल फ्रेश एक मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी होने चाहिए जो किसी भी आईआरसीटीसी के अकाउंट में लिंक ना हो, बिल्कुल नया होना चाहिए। और मुझे लगता है ये बातें सारी वीली को पता है। जो रियल तरीका है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास जो मेल आया था टिकट एडमिन की तरफ से 31 मार्च में मेरे पास आ गया था। देखिए ये 31 मार्च है, 31 मार्च को मेल आ गया था, लेकिन गाइस इसके लिए सॉरी मैं वीडियो बना नहीं पाया था क्योंकि थोड़ा बहुत लॉकडाउन की प्रॉब्लम हो गई थी और कुछ और काम था मेरे पास। और मैं चैनल पे हमेशा प्रॉपर एक्टिव रहता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सीधे कमेंट कीजिए, और नए हैं चैनल पे तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे मजा नहीं आएगा। लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो काफी एनर्जी मिलती है और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए मन करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, आपके सपोर्ट करने से हमारी रोजी रोटी चलती है। तो गाइस सपोर्ट आपको जरूर करना है ताकि आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकूं और हमारी एनर्जी इंप्रूव हो सके। तो गाइस देखिए ये मेरे पास ये मेरी यूजर आईडी है जो सीएससी की तरफ से मिली है मुझे। ठीक है, एजेंट आईडी की यूजर आईडी है। इन्होंने फिर मुझे यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड दिया था, आप देख सकते हैं बिल्कुल ओपन है, मैं हिडन नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, क्योंकि मैंने अब चेंज कर लिया है, प्रॉब्लम नहीं होने वाली है मुझे। आप यहाँ पे देखिए ये पासवर्ड दिया था, इस तरीके से पासवर्ड आता है, और इन्होंने ट्रांजेक्शन पासवर्ड दिया था, ये इस तरीके से आता है। तो ये एजेंट आईडी हो गई और ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड और ये पासवर्ड। ठीक है, इसको एक्टिवेट कैसे करना है ये प्रोसेस हो गया, ये मुझे मिला हुआ है, लेकिन आप कैसे पाएंगे अगर मैं इसकी एक्टिवेशन पे वीडियो बनाने लगूं कैसे एक्टिवेट करते हैं, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं एक्टिवेशन के लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप यहाँ पे क्लिक करके अपना खुद ही सेटअप कर लेंगे, इतनी तो नॉलेज है आपके पास, आप डिजिटल सेवा पोर्टल यूज करते हैं तो मुझे पता है कि हमारे सीएससी कितने टैलेंटेड हैं, काफी अच्छे अच्छे हमारे वीएली हैं जो सीएससी को यूज करते हैं। आपके पास इतना टैलेंट है कि आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बस इशारा काफी है। तो फ्रेंड्स आपके पास जब आईडी पासवर्ड मिलेगी तो आप क्लिक करके से नेक्स्ट प्रोसेस आप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आपको पीडीएफ में समझा भी दिया जाता है, और जो आपको आईआरसीटीसी की आईडी प्रोवाइड करेंगे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प भी करेंगे और आपको एक पीडीएफ भी देंगे। जिन्होंने मुझे गाइड किया था वो है नीतू जी, इन्होंने सीएससी के थ्रू आईआरसीटीसी की आईडी प्रोवाइड की। देखिए यहाँ पे इन्होंने पीडीएफ में दे दिया है कैसे क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने पीडीएफ में हर चीज एक एक चीज को समझाया गया है, तो आपको आईआरसीटीसी को लॉग इन करने में और सेटअप करने में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए आपको पाना कैसे है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनने की बात है,
आपने इतनी कहानी मेरी सुन ली, लेकिन ये कहानी अब सुनिए जो आपके लिए है। आपको क्या करना है, आप किसी भी स्टेट से हो, कमेंट में आपको अपने स्टेट का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपना नाम देना है कमेंट में। तो गाइस मैं कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप अपने डिस्ट्रिक्ट के यानी आप अपने स्टेट के IRCTC डिपार्टमेंट में बात कर सकते हैं। जैसे आप IRCTC डिपार्टमेंट में कॉल करेंगे तो आप अपनी CSC ID दे देंगे ओनली, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व विद इन 7 डेज में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गाइस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको CSC के पोर्टल में नहीं जाना है और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए 1000 रुपये चार्ज कर दिया गया है, पहले 10 रुपये का चार्ज था यहाँ पे, तो 10 रुपये में मुझे ये ID मिली है। मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मुझे 10 रुपये में ये ID मिल गई है। तो फ्रेंड्स आप देर ना करते हुए अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स में डालिए, देन आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक के थ्रू आप अपने स्टेट के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कर सकते हैं जो IRCTC के डिपार्टमेंट को देखते हैं। अगर बाई चांस वहाँ वो IRCTC का डिपार्टमेंट अगर मिसमैच होता है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से IRCTC डिपार्टमेंट का नंबर ले सकते हैं और उनसे बात करके अपनी CSC ID बता सकते हैं और IRCTC की एजेंट ID जल्द से जल्द एक्टिवेट करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है CSC का सबसे अच्छा अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।